स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर। तो यहाँ पे ई शिक्षा को से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण एक न्यूज़ निकल के आई है सामने। लेटर है, चलिए पढ़ते हैं। ये लेटर आपका निकला है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले बिहार। विषय है इसका ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों के संबंध में। और प्रसंग है इसका कार्यालय पत्रांक इतना दिनांक 2/8/2024 महाशया महाशय। उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची का गहन जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से कराते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में कई शिक्षक अभी तक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। वैसे शिक्षकों की सूची अनुलग्नक एक के रूम में प्रेषित की जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का दायित्व होगा कि प्रेषित शिक्षकों की सूची का वस्तु स्थिति यथा एक, क्या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, दूसरा क्या मूल विद्यालय के अतिरिक्त ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अन्य विद्यालय में नाम दर्ज है, तीसरा संविलियन किए गए विद्यालय से मूल विद्यालय में शिक्षक का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं होना या अन्य किसी कारणों को ध्यान में रखते वैसे शिक्षकों के विवरण को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर से हटा दिया जाए। यदि वर्तमान में ये शिक्षक कार्यरत हैं तो उनके द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अनुलग्नक एक में अंकित शिक्षकों की सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 23/8/2024 तक अद्यतन कराने की सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की होगी। कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए। विश्वास भाजन बी कार्तिकीय धनजी, राज्य परियोजना निदेशक। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स मांगा गया है 23/8/2024 तक में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें लिखा हुआ भी है कि इसे अत्यावश्यक समझा जाए। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने शिक्षक साथियों के बीच पे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।